हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू DRS एग्रो फार्मेसी। आज हम एक ऐसे फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर जॉब करना हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एम्स फार्मासिस्ट पोस्ट के बारे में। एम्स की ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है, चलिए पूरा डिटेल देखते हैं। तो सिंपल था, आपको गूगल पे आ जाना, लिखना है एम्स रिक्वायरमेंट और आपको सर्च कर देना है। जब सर्च करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा, एम्स रिक्वायरमेंट, इसको आपको ओपन कर लेना। ओके, तो ये पेज आपके सामने ऐसे खुल के आ जाएगा एम्स रिक्वायरमेंट का। इसमें आपको नीचे आना है, लास्ट में जाना है, जो 10 नवंबर को नोटिफिकेशन आया, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम थ्रू द ऑनलाइन मोड ऑफ फिलिंग अप ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ए नॉन फैकल्टी बी NC पोस्ट एट एम्स न्यू दिल्ली NCI। ओके, तो आपको इसको ओपन करना, इसे आपको ओपन कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा, ये व्यू डिटेल। तो ये इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, मतलब 19/12 को इसका नोटिफिकेशन, मतलब लास्ट डेट 19/12 को, मतलब 19 दिसंबर को लास्ट डेट है इसकी, और स्टार्ट होगा इसी नवंबर में 19 तारीख से। ओके, तो इसका हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। इसमें देखिए, ये है एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की, मतलब जो पोस्ट है इसमें बहुत सारे वैकेंसी आई हैं, लाइक साइंटिस्ट के लिए पोस्ट आया है और अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए पोस्ट आया, बहुत सारे पोस्ट हैं। इसमें जो मेन टारगेट हमारा, हम बात करेंगे फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग पोस्ट के बारे में। ओके, चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर देखिए, नीचे आते हैं प्रोग्रामर, यहाँ पर असिस्टेंट डाइटिशियन, और यहाँ पर जूनियर साइकेट्रिस्ट, आकुपेशनल थेरेपिस्ट, स्टोर कीपिंग। यहाँ पर देखिए, स्टोर कीपिंग लेवल 6 पे मैट्रिक्स पे इसमें डिसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, मतलब इसमें भी फार्मेसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसमें भी टोटल 9 पोस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो इसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले भी इससे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, कहाँ पर, ड्रग स्टोर हॉस्पिटल में, इस तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए स्टोर कीपिंग में। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर और भी है, एक जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी आई है और नीचे है, आइए स्क्रॉल करते हुए चलते हैं। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की वैकेंसी है, लेवल 6 पे मैट्रिक्स है, इसमें भी 12 पोस्ट आया हुआ है। इसमें BSc मांगा गया है रेडियोलॉजी में, डिप्लोमा वाले से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, BSc रेडियोग्राफी है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का पोस्ट आ गया, लेवल 5 पे मैट्रिक्स है, इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या बोर्ड एंड शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो ये सारे फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड होते हैं फार्मेसी एक्ट 1914 के अकॉर्डिंग। और इसमें जो टोटल पोस्ट है, 18 पोस्ट है, जनरल के लिए टोटल 7 पोस्ट है, EWS कैटेगरी वालों के लिए 2 पोस्ट है, SC के लिए 2 पोस्ट है, ST के लिए 3 पोस्ट, OBC के लिए 4 पोस्ट है। ओके, एग्जाम मोड CBT, मतलब कंप्यूटर बेस्ड मतलब एग्जाम होने वाला है। ओके, और यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर जो लिखा है, अप्लीकेंट होल्डिंग हायर डिग्री कैन आल्सो अप्लाई, जो हायर डिग्री लाइक BPharm, PharmD, ये सब लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज, डिग्री इन फार्मेसी होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस इन डिस्पेंसिंग, और डिस्पेंसिंग में एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक्सपीरियंस का ड्यूरेशन नहीं मांगा गया, यानी आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस है आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्म आप लोग को अप्लाई करना। इस फॉर्म के बारे में और सब डिटेल देखते हैं, चलिए इसका मतलब और भी डिटेल क्या है, तो नीचे आते हैं। यहाँ देखिए, जो आज जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग होगा इस फॉर्म का, 19/11 मतलब 19 नवंबर से स्टार्ट होगा और जाएगा 19 दिसंबर तक, 5 बजे तक फॉर्म रहेगा, आपको इस फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई करना। ओके, और यहाँ पर देखिए, इसमें और हम देख लेते हैं, और यहाँ पर क्या क्या लगेगा आपका, एक प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लगना है, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट लगना है, वैलिड EWS सर्टिफिकेट अगर आप EWS में आते हैं, और मास्टर डिग्री एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उस सब आपको अभी से बना के रख लेना। ओके, अगर नहीं है तो उसको बनवा लीजिए सर्टिफिकेट। तो ये सारे जो है सारे नोटिफिकेशन को देखिए, इसमें जो जो लगता है आपको रेडी रहना अप्लाई करने के लिए। और भी आगे इसमें देख लेते हैं क्या है, यहाँ पर देखिए, एज रिलैक्सेशन, SC वालों के लिए 5 ईयर का छूट मिलेगी, OBC वालों को 3 ईयर के लिए, PWD वालों को 10 साल का छूट मिलता है। ओके, तो कैटेगरी वाइज छूट इसमें दिया गया है। और आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसमें और क्या डिटेल हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए नीचे आते हैं, और इसमें क्या डिटेल है, हाँ इसमें जो देखिए, जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कैसे होना है, फॉर ग्रुप ए एंड पोस्ट वालों के लिए इंटरव्यू होना, उन लोगों की कोई एग्जाम नहीं देना है,
लेकिन जो फार्मासिस्ट ये सबका जो पोस्ट है ग्रुप बी एन सी वालों के लिए, इसमें ऑनलाइन सीबीटी मोड एग्जाम होगा। ओके, उनको एग्जाम देना है और एग्जाम के बेसिस पे ही उनको यहाँ पर जॉब मिलेगा। ओके, एडमिट कार्ड कैंडिडेट आर डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम एम्स के ऑफिशियल साइट पे emsexam.ac.in से यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और पोस्ट से एडमिट कार्ड इसमें नहीं भेजा जाएगा। और इसमें हम देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, मेन तो यही हमारा क्वेश्चन क्या आना है। तो देखिए टोटल टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जो होना है विल बी इसमें टाइम ऑफ एग्जामिनेशन तो होना है 3 घंटे का पेपर होगा, 180 मिनट। और जो एग्जामिनेशन एग्जाम का तरीका कैसा होगा, 200 MCQ आएंगे, 200 मार्क के, मतलब एक क्वेश्चन एक मार्क का रहने वाला है। इसमें जो 30 MCQ हैं वो रिलेटेड टू एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज अवेयरनेस से रहने वाले, बाकी जो 170 MCQ हैं ये हमारे रिलेटेड सब्जेक्ट लाइक जो आप फार्मासिस्ट बी फार्म डी फार्म में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिक्स फिजिकल फार्मेसी, इन सब से आपके सब्जेक्ट रहने वाला। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 1/3 मार्क है, जो भी क्वेश्चन गलत होगा उससे 1/3 मार्क उससे कट जाएगा आप करेक्ट वाले में से। यहाँ पर देखिए क्वालिफाइंग मार्क रिक्वायरमेंट फॉर एग्जामिनेशन कितना क्वालिफाइंग मार्क, 50% जनरल और EWS वालों के लिए, 45% OBC के लिए एंड 40% ST वालों के लिए। तो ये सिंपल था, इतना आपको चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए और इस फॉर्म को आपको जरूर फिल करना। ओके, थैंक यू सो मच।